टॉपिक है वो है टाइप कन्वर्जन, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है टाइप कन्वर्जन। आज हम इसे देखेंगे। इससे पहले हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसे रिलेट करते हैं। जिस प्रकार से हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे बर्फ, पानी को हम क्या करते हैं, बर्फ में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी एक टाइप से दूसरे टाइप में उसका हम कन्वर्जन कर रहे हैं, पानी से बर्फ में। सेम वैसे ही हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। वो हमारा क्या होता है, टाइप कन्वर्जन होता है। फर्स्ट हम अगर देखें तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन को हम बोलते हैं, या इम्प्लिसिट कन्वर्जन, या फिर वाइडनिंग कन्वर्जन भी हम इसे बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन को। फर्स्ट जब हम अगर देखें, टाइप कन्वर्जन हैपेंस व्हेन, यानी कि टाइप कन्वर्जन कब किया जाता है। टाइप कन्वर्जन दो कंडीशन पर होता है। यदि हमारी वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, तभी हमारा क्या होता है, टाइप कन्वर्जन होता है। फर्स्ट टाइप कंपैटिबल, यानी जब हमारा जो टाइप होता है वो दोनों सेम होता है, यानी कंपैटिबल होता है उसका कन्वर्जन, जो हमारा टाइप है और वो क्या हो, कंपैटिबल हो, यानी कि उसका कन्वर्जन संभव हो, तभी हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं। लाइक इंट हो गया, सॉर्ट हो गया, इंट हो गया, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग डबल, इस क्रम में अगर हम चलते हैं तो इसका क्या होता है, टाइप कन्वर्जन क्या है, कंपैटिबल है। तो ये हमारे क्या होते हैं, टाइप कंपैटिबल होते हैं, जो कि संभव है करना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इफ़ डेस्टिनेशन इज लार्जर देन सोर्स, यानी जो हमारा डेस्टिनेशन टाइप होता है, यानी कि जो हमारा, जो हमने इंट डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि जो डेटा टाइप है वो सोर्स वाले टाइप से क्या है, जो हमारा डेस्टिनेशन टाइप है वो सोर्स वाले टाइप से क्या है, बड़ा है, यानी लार्ज होता है। मान लीजिए आपका जो डेस्टिनेशन टाइप है वो इंट है, जो आपका डेस्टिनेशन टाइप है वो क्या है, फ्लॉट है, और आपका जो सोर्स टाइप है वो इंट है। तो इंट के डेटा को आप आसानी से फ्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लॉट है इसकी साइज मेमोरी में क्या होती है, इंट की अपेक्षा लार्जर होती है, यानी कि इसकी साइज बड़ी होती है। तो इसके डेटा को ये क्या करेगा, आसानी से फ्लॉट में कन्वर्ट कर देगा, यानी स्टोर कर लेगा अपनी मेमोरी में। तो ये कन्वर्जन क्या होता है, यानी यदि आपका जो डेस्टिनेशन है, यानी जिस टाइप में आप उसका कन्वर्जन करना चाहते हैं, उसका डेस्टिनेशन यदि लार्जर है आपके सोर्स टाइप से, यानी जो आप जिसको करना चाहते हैं उससे, तो वो क्या होगा, वहाँ पर हमारा जो टाइप कन्वर्जन होता है वो कंपैटिबल होता है। तो इस क्रम में, यानी कि ये कंडीशन जहाँ पर आती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं। अगर हम देखें तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, बाइट, सॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लॉट, डबल, यानी कि बाइट को आप सॉर्ट में इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, और सॉर्ट को इंट में कर सकते हैं, इंट को लॉन्ग में कर सकते हैं। एक प्रकार से इस क्रम में हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं, इंट को लॉन्ग में कर सकते हैं, और लॉन्ग को फ्लॉट में कर सकते हैं, फ्लॉट का डबल में कर सकते हैं, क्योंकि जो मेमोरी में साइज होती है इन सबकी क्या होती है, लार्जर होती हुई चली जाती है, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डेटा टाइप। यानी बाइट क्या होता है, सॉर्ट से छोटा होता है, इसलिए जो बाइट का डेटा है हम उसे सॉर्ट में स्टोर करा सकते हैं, और जो सॉर्ट का डेटा है उसे हम इंटीजर में स्टोर करा सकते हैं, जो इंटीजर का है उसे लॉन्ग में स्टोर करा सकते हैं, जो लॉन्ग का है उसे फ्लॉट में, जो फ्लॉट का है उसे डबल में। बट अगर हम इसे अपोजिट चलें दूसरी साइड को, यानी अगर हम सॉर्ट का डेटा बाइट में स्टोर कराना चाहें, तो ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम जबरदस्ती उसे कराना चाहते हैं तो ये हमारा टाइप कास्टिंग होगा, जिसमें हमें कास्ट ऑपरेटर का यूज करना होगा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से हम टाइप कास्टिंग करते हैं, यानी जबरदस्ती आप किस डेटा को क्या करना चाहते हो, सॉर्ट साइज वाले उसमें टाइप वाले डेटा में स्टोर कराना चाहते हो, यानी कि ये क्या है, इसकी साइज जो है वो लार्जर है बाइट वाले से, और अगर इसके डेटा को आप बाइट वाले टाइप के डेटा में स्टोर कराना चाहते हैं, यदि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए मैं यहाँ से सॉर्ट का डेटा बाइट में यहाँ पर स्टोर कराना चाहती हूँ, किसका डेटा, सॉर्ट का डेटा अगर हम किसमें स्टोर कराना चाहते हैं, बाइट में अगर करना चाहते हैं, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें यहाँ पर
लॉसी कन्वर्जन देगा, यानी जो आपका डेटा होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ से जो सॉर्ट का डेटा, इसमें जो डेटा है मान लीजिए 40 है, लेकिन इसको स्टोर करने की क्षमता इसकी कितनी है, 20 ही है। तो यहाँ पर जब आप सॉर्ट के डेटा को बाइट में स्टोर कराएंगे तब यहाँ पर आपका कन्वर्जन कैसा होगा, लॉसी कन्वर्जन होगा, यानी कि आपका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी 20% डेटा आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और 20 ही ये स्टोर कर पाएगा। इसलिए इसकी परमिशन नहीं देता है हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट अगर आप जबरदस्ती इसे क्या कराना चाहते हैं, स्टोर कराना चाहते हैं सॉर्ट के, यानी कि लॉन्ग डेटा को सॉर्ट टाइप के इंटीजर में, मेमोरी में, तो ये क्या होता है, ये हमारा लॉसी कन्वर्जन होता है, और इस प्रकार के कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन, यानी कि जो पॉसिबल हो, क्या हो, पॉसिबल क्या है, अगर इंट का डेटा, यानी कि जो आपके इंट का डेटा है, अगर आप इसे डबल में स्टोर कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके डेटा का लॉस नहीं होगा, ये आसानी से क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा इंट होता है इसकी मेमोरी में साइज क्या होती है, जो हमारा इंटीजर होता है, मान लीजिए यहाँ पर जो इंटीजर है इसकी साइज क्या होती है, यहाँ पर इसकी साइज होती है 4 बाइट इसकी साइज होती है, बट जो हमारा डबल होता है इसकी साइज होती है 8 बाइट। तो ये क्या करेगा, आसानी से 4 बाइट का, यानी कि इसमें डेटा इससे कम है स्टोर हुआ है, यानी कि ये डेटा सॉर्ट है, कम है, तो ये आसानी से 8 बाइट वाले मेमोरी में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जो हमारा टाइप है वो क्या है, इंट है। अगर इसका डेटा इंट ए इक्वल हमें 25 दिया गया है, 25 दिया गया है, मुझे इसे क्या करना है, लॉन्ग में, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर हमें इसे फ्लॉट में क्या करना है, स्टोर कराना है। जो हमारा 25 है इसे हमें फ्लॉट टाइप के, उसमें डेटा टाइप में स्टोर कराना है। इसका टाइप हम फ्लॉटिंग चाहते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, फ्लॉट में स्टोर हो जाए। तो फ्लॉट वी इक्वल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ए कर दिया। तो आसानी से जो ए का डेटा होगा वो बी वाले में जाकर के स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज इसकी अपेक्षा क्या है, छोटा है, यानी कि ये 25, इसमें कोई लॉसी कन्वर्जन नहीं होगा, इसलिए हमारा डेटा क्या होगा, सेफ रहेगा। जितना डेटा रहेगा वो हमें पूरा मिल जाएगा, कुछ भी डेटा हमारा लॉस नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं। अगर हम इसे आप प्रोग्राम करके देखें तो ये इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड एडिटर पर आ जाते हैं। उसके बाद हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है उसे हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिया इंट ए इक्वल, यहाँ पर 90 दे दिया। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा इंट का डेटा है हम चाहते हैं ये हमारे डबल में स्टोर हो जाए, डबल में स्टोर हो जाए, इसे बी इक्वल मैंने कर दिया ए, यानी जो भी ए का डेटा है वो डबल डेटा टाइप में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे ए को, सॉरी बी को प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमने डेटा जो स्टोर करा रखा है वो बी नेम के वेरिएबल में, और यहाँ पे हमने जो टाइप दे रखा है वो डबल टाइप दे रखा है, और वैल्यू किसकी स्टोर कराना चाहते हैं हम, डबल टाइप में, यानी एक टाइप से इंटीजर टाइप के डेटा को हम डबल टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना होगा वो हमें ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना होगा जिस टाइप के डेटा में हम उसका कन्वर्जन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डबल टाइप के डेटा में कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए %LF भी यूज कर सकते हैं या फिर %E भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं %F भी यूज कर सकते हैं, %E ले लेते हैं हम यहाँ पर %E। उसके बाद जो भी डेटा हो ए का, यानी कि जो हमारा इंट टाइप का डेटा है वो डबल टाइप के डेटा में क्या हो जाए, उसका कन्वर्जन हो जाए, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बी को प्रिंट कर दिया। अगर अब हम इसे क्या करते हैं, रन करते हैं कंट्रोल एस करके अपने प्रोग्राम को, F11 करके, तो देखते हैं जो हमारा डेटा है क्या वो डबल टाइप का हो जाता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारा जो डेटा है वो डबल टाइप के डेटा में क्या हो गया है, उसका कन्वर्जन हो गया है, यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा हमारा डबल टाइप के डेटा में क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमने %E दिया है, ई कहाँ तक ले जाता है वैल्यू डबल की, हेक्साडेसिमल तक ले जाता है, तो इसने हमें कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करके दिया है, हेक्साडेसिमल तक की वैल्यू प्रिंट करके दिया है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन आसानी से क्या हो गया, पॉसिबल था। बट अगर हम यहीं पर क्या करते,
जो हमारा इंट का डेटा है इसे अगर हम बाइट में कन्वर्ट करना चाहते तो हमें क्या देता, एरर देता, क्योंकि जो बाइट है वो इंट का जो डेस्टिनेशन टाइप है उससे क्या है, छोटा है। यानी कि हमारा डेस्टिनेशन टाइप सोर्स टाइप से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर हम इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, बाइट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो इंट का डेस्टिनेशन टाइप है वो क्या है, लार्ज है बाइट की अपेक्षा। इसलिए जो हमारा सोर्स है, हमारा सोर्स क्या है, इंटीजर टाइप का है, और हमारा जो डेस्टिनेशन है यानी कि जिस जगह हम उसे स्टोर कराना चाहते हैं, जिसमें हम कन्वर्जन कराना चाहते हैं, वो बाइट है। लेकिन बाइट यानी कि हमारी कंडीशन क्या थी, हमारा डेस्टिनेशन सोर्स वाले टाइप से क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट है, तो इसलिए इसका कन्वर्जन क्या है, पॉसिबल नहीं है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हम इसका कन्वर्जन करते हैं तो वो टाइप कास्टिंग होगा, जिसमें हमारे डेटा का क्या होता है, लॉस होता है। अब हम इसे सेकेंड प्रोग्राम में यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि जबरदस्ती अपने डेटा को शॉर्ट डेटा, लार्ज डेटा को शॉर्ट टाइप के डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आज का हमारा टॉपिक था टाइप कन्वर्जन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू को यानी एक टाइप के डेटा को दूसरी टाइप के डेटा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। बट जो हमारा टाइप कास्टिंग कन्वर्जन होता है वो यूजर डिफाइन होता है, यानी कि यूजर जो भी उसमें डेटा यानी जो भी चाहे वो उसमें कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इसमें जो कंपाइलर है वो पहले से ही क्या करता है, उसे खुद से करता है, यानी कि कंपाइलर को पता होता है कि किस डेटा को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन सा लार्ज होगा, कौन सा शॉर्ट होगा। तो इस प्रकार के कन्वर्जन को हम टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग कन्वर्जन क्या होते हैं, यानी टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं। तो टाइप कन्वर्जन को हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन या इम्प्लिसिट या फिर वैर्निंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टाइप कन्वर्जन। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।